नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। ट्रेनिंग पूरी होने पर प्रशिक्षु दरोगाओं ने मनाई खुशी। DGP अशोक कुमार बोले, पीड़ितों को दिलाएंगे न्याय। दरोगा पुलिस विभाग की रीढ़ होते हैं। उत्तराखंड के टिहरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 135 उपनिरीक्षक प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। समापन समारोह में उत्तराखंड पुलिस के हेड DGP अशोक कुमार मौजूद रहे। DGP अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस को अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग पीड़ित को न्याय दिलाने में करना चाहिए। जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी को विपक्ष ने बताया चुनावी घोषणा, अजय भट्ट ने किया पलटवार। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस धामी सरकार पर निशाना साध रही है। साथ ही जमरानी बांध की मंजूरी को चुनावी स्टंट बता रही है। वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी भी पलटवार किया है। हाईवे पर मदमस्त घूमता रहा गजराज, सेल्फी लेने पर लोगों को दौड़ाया। हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर टस्कर हाथी चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया। इस दौरान हाथी लोगों के पीछे भी भागा, लोगों ने भागकर जान बचाई। हाथी काफी देर तक हाईवे पर टहलने के बाद जंगल की ओर चला गया। वन पंचायतों को मिलने जा रहा 628 करोड़ का प्रोजेक्ट, हर्बल एरोमा बदलेगा लोगों का भाग्य। वन पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा एरोमा और हर्बल के क्षेत्र में काम किया जाएगा, जिसमें सभी पंचायतों को जोड़ा जाना है। इस प्रोजेक्ट से लोगों को आने वाले समय में लाभ मिलेगा। रिश्वतखोर PWD के सहायक अभियंता को 5 साल की सजा, 50,000 का लगाया अर्थदंड। कोर्ट ने PWD विभाग के सहायक अभियंता को रिश्वत मांगने का दोषी बताते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। WD विभाग के सहायक अभियंता ने निर्माण कार्य की धनराशि के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी थी। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाकर किया रेप, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा। कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसलाकर घर से भगाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने नाबालिग को नागपुर में एक किराए के कमरे में रखा था, जहां उसके साथ जबरन संबंध बनाता था। देहरादून में आज लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार, यहां रहेगी पार्किंग व्यवस्था, रूट रहेंगे डायवर्ट। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का उत्तराखंड में पहली बार दिव्य दरबार लगने जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार देहरादून के परेड ग्राउंड में 4 नवंबर यानी आज शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा। वहीं धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में काफी भीड़ उमड़ने की संभावना है, लिहाजा पार्किंग और रूट प्लान भी जारी किया गया है। नशा बेचने वाली रेखा सानी पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, अर्जित की गई संपत्ति भी जब्त। ऋषिकेश पुलिस ने नशा बेचने वाली रेखा साने पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को जब्त किया गया है। वहीं SSP अजय सिंह ने नशा तस्करों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई लगातार करने की बात कही है। युवक की हत्या मामले में आरोपी को उम्र कैद, शराब पीने के दौरान हुआ था विवाद। जिला एवं सत्र न्यायालय की द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने एक युवक की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सुनवाई के दौरान ADGC अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष 16 गवाहों को पेश किया। उद्योगों से युवाओं को मिलेगा रोजगार, CM धामी ने दी विकास को नई दिशा, मनवीर सिंह चौहान। उत्तराखंड में CM धाम ने विकास को नई दिशा दी है। पर्यटन और कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व काम किए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। यह बात बागेश्वर में BJP प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कही। वहीं BJP प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बौड़ाई ने कहा कि उद्योगों से युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन पर भी रोक लगेगी। पहाड़ों में दूर हो गए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी, महीने के आखिरी मंगलवार को लिया जा रहा इंटरव्यू। उत्तराखंड में लाख कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर पहाड़ नहीं चढ़ रहे, जिसके चलते पहाड़ों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी रहती है। ऐसे में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए लगातार इंटरव्यू लिया जा रहा है। उत्तराखंड DG हेल्थ विनीता शाह की माने तो हर महीने के आखिरी मंगलवार को डॉक्टर के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। उन्होंने भी माना है कि पर्वतीय जिलों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है। नैनीताल पालिका अध्यक्ष और EO को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, वित्तीय गड़बड़ी के लगे हैं आरोप। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में नैनीताल नगर पालिका के अध्यक्ष सचिन नेगी के वित्तीय अधिकार सीज हैं, तो कार्यकारी अधिकारी आलोक उनियाल अभी निलंबित चल रहे हैं। ऐसे में दोनों राहत पाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया, लेकिन कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सरदार भगत सिंह महाविद्यालय में अध्यक्ष पद समेत 6 पदों पर एक एक नामांकन, प्रपत्र की जांच के बाद कल निर्विरोध नाम की होगी घोषणा। रुद्रपुर स्थित सरदार भगत सिंह महाविद्यालय में नामांकन भरे गए हैं, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष संयुक्त सचिव सांस्कृतिक सचिव विज्ञान और वाणिज्य संकाय प्रतिनिधि पद पर एक एक नामांकन दाखिल किया गया है। बाजारों में नहीं लगेगी पटाखों की दुकानें,
प्रशासन ने जगह के चिन्हित खतरे को देखते हुए लिया गया निर्णय। ऋषिकेश एसडीएम कार्यालय में आज व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बाजार में पटाखे की फुटकर दुकानें लगाने को लेकर बैठक हुई, जिसमें एसडीएम ने पटाखे की दुकान लगाने के लिए भरत मंदिर इंटर कॉलेज का मैदान चुने जाने की जानकारी दी। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। उत्तराखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम और आसपास के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा सीमा जौनसारी पहुंची बेरीनाग, विभिन्न स्कूलों का लिया जायजा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा सीमा जौनसारी ने जीआईसी बेरीनाग और राय आगरा क्षेत्र के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। प्रत्येक कक्षाओं में जाकर छात्र छात्राओं के शैक्षिक स्तर को परखा। लोकसभा चुनाव 2024 में शिक्षक बढ़ा सकते हैं बीजेपी की मुश्किल, कांग्रेस ने दी ये सलाह। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 6 महीने का ही वक्त बचा है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय शिक्षक संघ ने परिवार सहित लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है। कछुआ गति से चल रहा इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट का काम, विधायक खजान दास का चढ़ा पारा। देहरादून के इंदिरा मार्केट के नए स्वरूप लाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन काम कछुआ गति से चल रहा है, जिस पर राजपुर रोड विधायक खजान दास का पारा चढ़ गया है। इतना ही नहीं, जब वो मौके पर पहुंचे तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं मिला, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 5 प्लांट को मंजूरी, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने का है मकसद। राज्य में हरित ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसमें शासन द्वारा अधिसूचित उत्तराखंड राज्य और ऊर्जा नीति 2023 के अंतर्गत टाइप 2 श्रेणी में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद अब मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 5,265 किलोवाट क्षमता के 5 सोलर पावर प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। लक्सर में आपसी रंजिश में चली गोली, आरोपी ने युवक पर झोंका फायर। हरिद्वार के लक्सर में आपसी रंजिश में गोली चलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक मौके से फरार है, जिसकी तलाशी में पुलिस टीम लगी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर जिलाधिकारी पहुंचे बद्रीनाथ धाम, हेलीपैड से लेकर धाम तक हर तैयारी को जांचा। अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 नवंबर को बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन चाक चौबंद तैयारियों में जुटा हुआ है। इसको लेकर जिलाधिकारी खुद धाम पहुंचे और सभी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हेलीपैड से लेकर धाम तक की सभी तैयारियों को जांचा और जरूरी निर्देश भी दिए। रिश्वत लेने वाले सहायक अभियंता को 8 साल की सजा, जुर्माना अदा न करने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास। साल 2016 में सड़क निर्माण की बाकी रकम के भुगतान को लेकर रिश्वत मांगने के मामले में खटीमा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को अपर सेक्शन न्यायाधीश नीलम रात्रा की अदालत ने अलग अलग धाराओं में 3 साल और 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अगर आरोपी द्वारा जुर्माना अदा नहीं किया गया तो 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की रिजर्व सूची में चंपावत की अनुप्रिया ने बनाई जगह, खुशी की लहर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम रिजर्व लिस्ट संघ लोक सेवा के सिविल सेवा परीक्षा 2022 की रिजर्व सूची में उत्तराखंड की अनुप्रिया राय ने भी जगह बनाई है। आयोग ने 89 उम्मीदवारों को विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए सिफारिश की है, जिसमें मूल रूप से चंपावत की रहने वाली अनुप्रिया राय भी शामिल है, जिसमें अनुप्रिया का नाम 29वें नंबर पर है। हरिद्वार में SMJNPG कॉलेज के छात्रों ने किया धरना, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। हरिद्वार के SMJN कॉलेज के छात्रों ने महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे न मानने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज मामला, कोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन मढ़धूरा में करने का मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 10 नवंबर तक की स्थिति अवगत कराने के आदेश दिए हैं। पौड़ी शिक्षा अधिकारियों के कथित स्टिंग प्रकरण में तीसरी गिरफ्तारी, पूर्व DEO माध्यमिक अरेस्ट। पौड़ी एजुकेशन ऑफिसर स्टिंग केस में पौड़ी पुलिस ने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। मामले में दूसरी गिरफ्तारी कल ही तत्कालीन CEO मदन सिंह रावत के रूप में हुई थी। आज पूर्व DEO माध्यमिक हरे राम यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में फरार चल रहा था।
राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला प्रवर समिति ने तैयार किया ड्राफ्ट, बिल पास कराने के लिए बुलाया जाएगा विशेष सत्र। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर शुक्रवार को प्रवर समिति की चौथी बैठक हुई थी, जिसमें सभी संशोधन के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। सरकार की माने तो जल्दी बिल पास कराने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।